भट्टा परसौल में और उत्तर प्रदेश में देखा कि किसान के पास जो है, जो संगठित उद्योगपति है बड़े वाले, वो जमीन भी चाहते हैं, फसल भी चाहते हैं। और पहली लड़ाई जो मैंने लड़ी वो जमीन अधिग्रहण की थी, और वहां पे मैं अड़ गया था, और उसके कारण पूरे के पूरे मीडिया ने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया, और वो मैंने झेल लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जो कानून 11-12 में लाया था, भूमि अधिग्रहण कानून, वो कानून से आज किसानों को लाखों और कुछ कुछ लोगों को करोड़ों रुपए मिले हैं। आज तक उन्होंने देखा नहीं है इतना पैसा, क्योंकि वो 1894 का कानून था, वो इंग्रज के जमाने का कानून था, वो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें किसानों की लूट होती थी। वो आपने देखकर, आपने अभ्यास करके जो कानून बनाया 11-12 में, वो किसान के फायदे का कानून हुआ, और वो किसान के फायदे का कानून मोदी जी ने पलटाने की कोशिश की, लेकिन उनको आपकी ताकत के सामने उनको यश नहीं आया है। देखिए, महाराष्ट्र में अभी हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं, और 13 मिनट में एक किसान की मौत हो रही थी, लेकिन अब जिस हालात में आज किसान हो जाएगा, उसकी हालात को बचाने के लिए मेरे को नहीं लग रहा कि कोई किसान को बचाएगा। आप लोग सब मेहनत करके और इस काम को उठा के और इस किसान को बचाने का कार्य करोगे, देश का बहुत भला होगा, किसान का तो भला होगा ही। लेकिन आज महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कानून की तहकीकात होना चाहिए। सबसे खराब क्या लगता है इन 3 कानून में से? सबसे खराब तो ये है जी, ये जो 3 अध्यादेश है किसान को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं जी। इस अध्यादेश से किसान को फायदा होना है तो ये MSP के लिए कानून क्यों नहीं बनाते जी? डेली टीवी पर बोलते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते भी? अगर MSP से कम लेगा उसको हम जेल में डालेंगे, क्यों नहीं करे जाएंगे? कल अडानी अंबानी हराएंगे, वो खरीदेंगे नहीं, वो तो बीच में दलाल भेजेंगे। किसान का अगर कोई भी फसल जाएगी तो 200-400-500 रुपए जाएगी जी। अडानी डायरेक्ट तो किसान के पास आओगे नहीं, वो बीच में दलाल छोड़ देगा। आज किसान का जो काम है आरती के थ्रू चला रहा है अपना काम, उनको ये दलाल बोलते हैं। दलाल तो अब आ जाएंगे कारपोरेट जगत के हाथों, जब इसको बेचा जाएगा। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंग्लैंड से भाव निकालती थी कपास का, और पूरे वर्ल्ड में वो भाव में कपास किया जाता था। तार से बंबई आता था, बंबई से यवतमाल आता था, और यवतमाल से सब व्यापारी वही भाव में माल खरीदते थे, लेकिन दूसरे के तार बाद में मिलते थे, इन व्यापारियों के तार पहले मिल जाते थे। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसी टाइप का कारोबार आज आने की गुंजाइश लग रही है। 100% वैसे ही होगा, कारपोरेट जगत के लोगों को माल सस्ता लेने के लिए प्रोविजन रहेगी, और वो जब अपना माल खरीदेंगे किसानों का, तो वो ग्राहक को 4 गुना भाव में बेचेंगे। उसलिए ग्राहकों की भी लूट होगी, किसानों की भी लूट होगी, और किसानों को प्रॉपर भाव न मिलने से आत्महत्या काफी बढ़ेगी किसानों की। आपका कहना है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आई है। हाँ, वेस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट कंपनी आ जाएगी। जो हमारा जो देश का पोशिंदा है, हमारा देश खेती प्रधान बोलते है, लेकिन अभी एक कंपनी प्रधान देश होने वाला है,